तो डर भी लगता है कि कहीं अजगर पुनः ना निकल जाए, लेकिन जैसा कि यहाँ लोगों का कहना है कि दिन में नहीं दिखा, देख रहे हैं मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कैमरा। न जाने ऐसे बड़े बड़े अजगर और कितने इस चीनी मिल के अंदर हो, न जाने और कितना ज़्यादा सर्प इस चीनी मिल के अंदर हो। सर्प को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम भी पहुँच चुके हैं, जो अजगर न जाने कितने लोगों को कितने जानवर को भी निकल जाते हैं। इंडियन रॉक पैथन इस अजगर का नाम बताया जा रहा है। हाथ से पकड़ लेंगे अजगर को, डर नहीं लगेगा नहीं, अगर आपको निकल जाए तो। क्या सही में अजगर है? अजगर है, है, अजगर है, है, है। बाबा अजगर आप लोग देखे हैं कभी? देखे थे? हम देखे हैं। देखे हैं आप? हाँ हम देखे हैं। अपने आँख से? कहाँ पे था सर? एक महीना पहले हम उस रोड में अजगर के बच्चे को पकड़े हैं। अजगर के बच्चे को पकड़े? इस वक्त मैं हूं सकरी चीनी मिल के पास। मैं आपको बता दूं कि सकरी चीनी मिल तकरीबन कई सालों से बंद पड़ी है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी झाड़ी है, और देखने से ही पता चलता होगा कि इस झाड़ी के अंदर कितना ज्यादा सांप होंगे या कोई जानवर होंगे। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस जगह का लगातार वीडियो में दिखा रहा है कि यहाँ पे करीब बताया जा रहा है कि 15 फीट का जो 15 फुट का अजगर सर्प होता है वो इस रोड से निकलने की कोशिश है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रोड क्रॉस नहीं कर पाती है। आप वीडियो में देख रहे हैं पूरा इस गेट के माध्यम से इसके अंदर चल जाते हैं। ना जाने ऐसे बड़े बड़े अजगर और कितने इस चीनी मिल के अंदर हो, ना जाने और कितना ज्यादा सर्प इस चीनी मिल के अंदर हो। यहां पर देख रहे हैं अभी सर्प को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुके हैं। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, कैमरामैन दिखाएंगे यहां पे कितने ज्यादा लोग हैं, और सभी यहां पर यही देखने के लिए हैं कि कहीं ये सर्प पकड़ने का जो टीम है सरकार की जो आदेश है वो यहाँ पे अजगर को पकड़ेंगे, और शायद ये लोग भी देखेंगे कि 15 फुट का अजगर की कैसी हालत होती है, जो अजगर न जाने कितने लोगों को कितने जानवर को भी निगल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। सेम जो वीडियो हम देख रहे हैं, ये अजगर इतनी ज़्यादा भारी भरकम है कि अगर इनके पास कोई छोटा जानवर आ जाए तो ये फौरन ही निगल जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं और जानते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं। सर हम आए हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, दरभंगा और मेरा घर है जाले। जाले घर है जी, जाले से हम यहाँ रेस्क्यू के लिए आए हैं। जैसा हमको सूचना मिला था कि यहाँ इंडियन रॉक पैथन देखा गया है। कौन सा अजगर था? इंडियन रॉक पैथन। इंडियन रॉक पैथन इस अजगर का नाम बताया जा रहा है। ये क्या है? ये टोंग है, इससे ही हम लोग हैंडल करते हैं सांप को। इससे ही आप देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियो के माध्यम से कि सर्प को पकड़कर इस चीज से देखा जाए। इस ये जो बनाया गया है आपके अंदर इस तरह से ये सी के टाइप के, क्या इसमें अजगर उतना मोटा आ जाएगा? अजगर मोटा तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत सा ऐसा होगा कि हम लोग को सपोर्ट करने में जो है बहुत ये काम करेगा। ये सपोर्ट में काम करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या नहीं काम करेगा? तो हम लोग हाथ से अपना हैंडल करेंगे। हाथ से पकड़ लेंगे अजगर को, डर नहीं लगेगा अगर आपको निकल जाए तो? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का तो हमेशा रिस्क रहता ही है, चाहे गोहमन पकड़े या करैत पकड़े तो जहरीला जी। गोहमन भी पकड़ लेते हैं? गोहमन हो, करैत हो, कोई भी स्नेक हो। हाँ। कोई भी स्नेक हो, जो स्नेक सेवर है वो कोई भी स्नेक को पकड़ने का क्षमता रखता है वो। तो आपको मैं बता दूं, जहाँ लोग सांप को देख के भागते हैं ये भाई साहब कहते हैं, वहीं पर ये अजगर क्या है, हम तो गोहमन और बहुत सारे काला नाग को भी ये पकड़ कर यूं ही बैग में रख लेते हैं। क्या भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम पटना से आए हैं। कहाँ आप लोग आए हैं? देखिए, जैसे कि हमको यहाँ के स्थानीय लोगों से एक फोटो और एक वीडियो पहुंचा यहाँ से कि एक बड़ा सा सांप रोड क्रॉस करने के बाद इस दीवार पे चढ़ रहा है। इस दीवार पे चढ़ते हुए वीडियो में मेरे पास आया, और काफी बड़ा था। यहाँ लोगों को कहने का दावा था कि 15 से 20 फीट का सांप है, लेकिन वो 15 से 20 फीट का सांप वो लोग फोटो में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है सांप। एक्चुअली हम लोग देख नहीं पाए, हम लोग आए हैं तो फिर आदेश लिया गया। जैसे कि हम लोग यहाँ आए तो सबसे पहले यहाँ आए तो यहाँ लोकल लोग, जैसे यहाँ गार्ड 10 या लगभग 12 गार्ड काम करते हैं, 12 गार्ड काम करते हैं इसको सुरक्षा करने के लिए, चीनी मिल का सुरक्षा करने के लिए 12 गार्ड से आदेश लिया गया, थाना आदेश गया। थाना में फोन करने के बाद वो वन विभाग बोला कि आप बात कीजिए, तो वन विभाग से आदमी को बुलाए, वन विभाग से आदमी आई और हम लोग इसको खोजने का काम किए, पूरे खोजे, लेकिन अंदर में इतना सारा जगह है और इतना बड़ा खंडहर सब है बना हुआ है जहाँ एक सांप का ही आशंका करना। क्या लगता है आपको कि इस चीनी मिल के अंदर में सर्प होंगे, अजगर होंगे? अजगर एक्चुअली बहुत सारे जानवर होंगे, ऐसा नहीं कि सांप ही होंगे, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगों से सुनने को मिला है कि आज से 2 साल पहले यहाँ बाढ़ आई थी। आप भी यहाँ के लोकल होंगे तो बाढ़ आई थी, उसमें जानवर यहाँ आया है, बहुत सारा जानवर बाढ़ में फंस के आया, और देख सकते कि 2 मंजिल 3 मंजिल यहाँ घर है,
यहाँ वो आराम से रह सकता है और वो रहता था। और नीचे हम लोग किस तरह का जानवर का आशंका है कि छोटा ही कैट में कोई छोटा कैट जैसे लेपर्ड का छोटा जैसे जो बड़ा बड़ा कैट जो आता है ना वो सब हो सकता है। आसान इंसान को शिकार कर लेंगे? नहीं नहीं इंसान शिकार नहीं करते, अगर घर इतना नजदीक में तो इंसान के लिए खतरा हो जाता, लेकिन अभी तक कभी भी कोई भी जानवर हो जब तक इंसान से उसका झड़प नहीं होता वो इंसान को कुछ करना। फिलहाल मैं अजगर सर्प के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस जगह से ये अजगर सांप यहाँ से सर्प निकलते हैं और आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से देखते होंगे, इसी से सर्प को पकड़ते हैं, चाहे वह गेहूमन हो या फिर अलग अलग तरह के विषैले सर्प हो उसको पकड़ के ये लोग रेस्क्यू करते हैं और फिर न जाने उस सर्प को फिर आप लोग क्या करते हैं। हम लोग जो है कोई बढ़िया फॉरेस्ट देखते हैं जो घना जंगल हो जिसमें इंसान का आना जाना नहीं हो, वहाँ जाकर के इसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, फिर इसको पुनः छोड़ देते हैं। जी जी, कि जादू के खेल में प्रयोग करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्नेक सेवर आप हमारा यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। सांप को रेस्क्यू करना और उसको रिलीज करना हम लोग का ये काम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना ज्यादा लोग हैं यहाँ पर अजगर रेस्क्यू वाले को देखने के लिए पहुंचे हैं सभी। क्या सही में अजगर है? अजगर है, अजगर है बाबा। अजगर आप लोग देखे हैं कभी? अजगर है यहाँ पे? हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन होगा लगता है जंगल से ऐसा लगा। क्या लगता है अजगर होगा यहाँ पे? क्या लगता है अजगर होगा इसमें? आप देख रहे हैं ये वीडियो में मोबाइल में स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, यही वीडियो है। देखिए झाड़ी में लगता होगा जो अजगर सर्प किस तरह निकलते हैं, इसी झाड़ी से निकलते हैं, यही वीडियो है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये झाड़ी भी कैमरामैन दिखाएंगे, यही झाड़ी है। मुझे तो डर भी लगता है कि कहीं अजगर पुनः ना निकल जाए, लेकिन जैसा कि यहां लोगों का कहना है कि दिन में नहीं दिखा। देख रहे हैं मैं वीडियो अटैच कर देता हूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, चारों तरफ की दृश्य दिखाएंगे, यहां पे कितने ज्यादा लोग हैं और सब यही आशा में है कि अजगर पकड़ा जाए और अजगर जो सरकार के नियमानुसार है बड़े फॉरेस्ट में जहां पे लोगों का जाना आना जाना नहीं है वहां पे छोड़ दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से अजगर 15 फुट की लंबाई की इस जगह पे दिखाई गई, अगर वो किसी वक्त उस वक्त निकल जाए जिस वक्त छोटे जानवर या छोटे बच्चे यहां से गुजरेंगे, अगर उस समय अजगर वो देख ले तो ना जाने उस बच्चे के साथ क्या करेंगे। कहीं ना कहीं लोकल लोगों के लिए एक डर की विषय है। और ये जो सकरी चीनी मिल है जो यहां पर जो ये अजगर सर्प जो दिखाई दिया लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। क्या बाबा आप लोग देखे थे? हम देखे हैं। देखे हैं आप? हाँ हम देखे हैं अपने आँख से। कहाँ पे था सर्प? हम तो देखे थे करीब 3 साल पहले वहाँ आगे। अच्छा 3 साल पहले? हाँ 3-4 साल पहले एकदम रोड पर रोड क्रॉस कर रहा था। अच्छा तो आपको मैं बता दूं कि ये नई बात नहीं है, पहली बार नहीं है। एक महीना पहले हम उस रोड में अजगर के बच्चे को पकड़े हैं। अजगर के बच्चे को पकड़े हैं हम लोग करीब 1 घंटा उसे खेल किया, उसके बाद लास्ट में छोड़ दिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नई बात नहीं है और एक ही अजगर नहीं न जाने कितने अजगर के बच्चे इस चीनी मिल के अंदर में निवास कर रहे हैं। जिस जहाँ सरकार का मानना है कि इस चीनी मिल को बेच दिया गया है, यहाँ लोहा को निकाली जाएगी, न जाने इस अजगर सांप कितने लोगों को अपनी शिकार न कर ले। लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंचे हुए हैं, आपने सुना, क्या करें। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, यही वो अजगर है जो सकरी चीनी मिल में दिखाई दी। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।